पैलियोलिथिक केव पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी कुछ पेंटिंग्स मिली हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पहाड़ वगैरह रॉक्स वगैरह में कुछ ढूंढते रहते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट। ये इन्होंने NCR रीजन में, नेशनल कैपिटल जो रीजन है हमारा, उसमें कुछ पेंटिंग्स ढूंढी हैं। कहाँ पे? हरियाणा के पास, हरियाणा में फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे ढूंढी है। और ये पेंटिंग माना जा रहा है अपर पैलियोलिथिक एज की हैं। अपर पैलियोलिथिक एज किसको बोलते हैं? लगभग 40,000 ईयर्स एगो से लेके 10,000 ईयर्स एगो तक, 40,000 साल पहले से और 10,000 साल तक, मतलब 40,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक ये पेंटिंग जो इस एज की मानी जाती है, जिसको अपर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। इन पेंटिंग में क्या क्या मिला और कहाँ पर मिली है? देखो, हरियाणा की गुरुग्राम और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बीच में अरावली माउंटेन आती है। और अरावली माउंटेन आप सब लोग जानते हो, अरावली जो पहाड़ी है, राजस्थान से लेके कहाँ तक है? हरियाणा और दिल्ली तक। तो ये अरावली माउंटेन के पास ही मिली हैं ये पेंटिंग्स। केव्स मिली हैं यहाँ पे, कुछ गुफाएँ मिली हैं यहाँ पे पहाड़ों में, उनमें ये पेंटिंग मिली हैं। और यहाँ पे मांगर बनी बोलते हैं इसको, बनी का मतलब है फॉरेस्ट एरिया ही, मांगर बनी। मांगर बनी इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे मांगर के नाम से विलेज भी है इस पहाड़ी के पास, मांगर बनी। तो ये कंटिन्यूएशन है किसका? सोनियन कल्चर का। सोनियन कल्चर है जो संस्कृति है, उसी का कंटिन्यूएशन माना जा रहा है। जो ये पेंटिंग्स पाई हैं, कुछ चित्रकारी, ऐसी पेंटिंग शिवालिक हिल्स में भी मिल चुकी हैं, नर्मदा में और अरावली में भी जो मिल चुकी हैं पहले और अब भी मिली हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर आप सबको पता है? हिमालय के आसपास, हिमालय की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ, लेसर जो मतलब सबसे छोटा हिमालय है, ग्रेटर, लेसर और फिर शिवालिक हिमालय, तीन पार्ट है हिमालय के। नर्मदा आप सब लोग जानते हो कहाँ पर, और अरावली में। अरावली है जो इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे पुरानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये अरावली। ये केम पेंटिंग है जो, इसमें क्या क्या मिला है? कुछ ह्यूमन के फिगर मिले हैं, मतलब चित्रकारी में कुछ मानव के चित्र बने हुए हैं, कुछ एनिमल्स के बने हुए हैं, कुछ फॉयलेज हैं, मतलब पेड़ों के पत्ते वगैरह कुछ बने हुए हैं, या जियोमेट्रिक फिगर बने हुए हैं, जियोमेट्रिक वगैरह, जैसे मान लो कौन वगैरह, मतलब त्रिभुज बना हुआ है आपका, ट्राइंगल या स्क्वेयर, मतलब सर्कल बना हुआ है या स्क्वेयर बना हुआ है, ऐसे कुछ ज्योमेट्रिक फिगर मिले हैं। ये रॉक आर्ट और ओपन एयर सेरेमोनियल साइट्स हैं जो मिली हैं। रॉक आर्ट्स मतलब चट्टानों पे कुछ चित्रकारी बनी हुई है, और ये चित्रकारी रेमिनिसेंट है किसका? भीम बेट का, जो साइट है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भाई साहब भीम बेट का की गुफाएं हैं पहाड़ों में, उसी का ये याद ताज़ा करती हैं, याद ताज़ा करती हैं। रेमिनिसेंट का मतलब याद ताज़ा, मतलब उसी के लगभग, उसी के समान ऐसी ही पेंटिंग है जैसी भीम बेट का में मिली थी, भीम बेट का में मिली थी। और भीम बेट का आपको पता, सबसे ओल्डेस्ट जो नॉन केव आर्ट है मानी जाती है अभी तक, जो लगभग मीजोलिथिक एज की थी, 10,000 ईयर्स एगो की। लेकिन जो ये मिली है इससे भी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि भाई साहब ये तो पैलियोलिथिक एज की, और पैलियोलिथिक इससे भी ज़्यादा पुराना है, लगभग 20,000 से लेकर 40,000 ईयर ओल्ड इससे पुराना है। और ये मांगर केव आर्ट में मिली है, मांगर केव गुफाएँ हैं मांगर जगह पर, जो पहाड़ में है यहाँ पर अरावली पहाड़ में। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव आर्ट है कंट्री में अभी जो ये पेंटिंग मिली है। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग है जो ओकर कलर की है, लेकिन कुछ व्हाइट कलर की भी है। ओकर कलर है एक, सेफ्रॉन कलर को भी बोलते हैं ओकर, सेफ्रॉन, जो केसर कलर है ना, केसर जो हमारे तिरंगा में होता है हरा सफ़ेद केसरिया, वही ओकर, उसी को बोलते हैं। कुछ व्हाइट कलर की भी है, सफ़ेद कलर की पेंटिंग। ये केव पेंटिंग जो है, जो व्हाइट कलर की, वो ऐसा माना जाता है, एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वो बाद में बनी है, लेटर स्टेज में। और जो वाइल्ड स्टोन एज की है जो पेंटिंग, वो क्या है? ऑकर में, ऑकर में मोर ऑफन नॉट ऑकर कलर में बनी हुई है, सेफ्रन कलर में। इस फाइंडिंग के बाद क्या है, जो मांगर बनी फॉरेस्ट है वो आ सकता है स्टेट प्रोटेक्शन के अंदर, मतलब जितने भी ये मांगर बनी फॉरेस्ट एरिया है, अब स्टेट अपने अंडर में ले लेगा इसको। और कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर स्टेट अपने प्रोटेक्शन में ले लेगा, और यहाँ पे कंजर्वेशन का जो ये मतलब क्राइटेरिया है बढ़ा देगा यहाँ पे संरक्षण, ये है एक एक्ट बना हुआ है, पंजाब एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1964 का। देखो भाई साहब, जो पंजाब हरियाणा से अलग हुआ था, उससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया था। अब इसी एक्ट के जरिए हरियाणा गवर्नमेंट भी क्या है, इसके सेक्शन 4 के जरिए हरियाणा गवर्नमेंट को भी ये पावर है कि ये कोई भी मान लो फॉरेस्ट एरिया जो कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है जिसका, उसको अपने अंडर में ले सकती है, तो अब स्टेट प्रोटेक्शन में ले सकती है गवर्नमेंट, ऐसा माना जा रहा है, अभी तक लिया नहीं है। तो यही था बस इस लेक्चर में।